कैम वर्ड, मैं दीपेन कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैम वर्ड में। हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो सॉल्यूशन चल रहा है और वो बस ख़त्म ही होने वाला है। दो लेक्चर बचे हैं, दो लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर तक बात करी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली होती क्या थी? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली डिपेंड करती थी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, ध्यान देना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल यानी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती थी। उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती थी, ठीक है। उसके हिसाब से चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, जैसे पहला है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और जो फोर्थ है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। जिनमें से हमने दो प्रॉपर्टीज़ की बात कर चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी RLVP को हमने राउट लॉ में भी डिस्कस किया था और अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंस हो जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ जा रहा है वो क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, वो कितना डिफरेंस आ रहा था, इस बारे में हमने कल बात करी हुई है। अब जो आज हमें बात करनी है, तो आज हम दो चीज़ों में बात करने वाले हैं। पहली जो चीज़ होने वाली है यानी तीसरी प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा जो बॉयल होने वाला होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो नीचे टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर की बात करनी है। तो लोअर टेम्परेचर में वेपर प्रेशर कैसे इफेक्टेड होता है इसके बारे में बात करनी है, और हमें बात करनी है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जिसका नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो जैसे हमने डिस्कस किया था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि बॉइलिंग पॉइंट जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब उसको कहते थे क्या, तब उसको कहते थे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बात करनी है फ्रीजिंग पॉइंट की, तो जब सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट का, सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट या सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के, ध्यान देना, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसको बोलेंगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू द इट्स सॉलिड फेज, जब वेपर प्रेशर लिक्विड फेज के, जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान देना, दोनों ही टेम्परेचर की टर्म है, एक टेम्परेचर ज्यादा वाली है, एक टेम्परेचर कम वाली है, बस ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे इसमें फ्रीजिंग पॉइंट में, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किसके केस में, ये प्योर सॉल्वेंट के केस में है, मीन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और अगर हम बात करें किसका, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है। ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट, जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं, और सॉल्यूट कौन सा होने वाला है, नॉन वोलाटाइल, ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग था, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अगर आपको राउल्ट्स लॉ का लेक्चर अभी आज तक आपने नहीं देखा है, तो मैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, मैं वहां पे एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप पहुंच जाएंगे सीधे राउल्ट लॉ के पास में, ठीक है। तो राउल्ट लॉ ने कहा कि जैसे ही सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाए, जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, वैसे ही ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं किसमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, और लेने वाले हैं टेम्परेचर जो कि होगा किसमें, केल्विन में, और यहाँ पे कौन सा है, वेपर प्रेशर है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होने वाला है, वो ऐसा मान लो कि ये है, ठीक है, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो ये हो गया सॉल्यूशन का, ठीक है। अब हमने यहाँ ध्यान दिया है कि एक लिक्विड फेज का भी वेपर प्रेशर है, एक सॉलिड फेज का भी वेपर प्रेशर है, तो एक क्या होगा, एक सॉलिड फेज का भी यहाँ पे वेपर प्रेशर जनरेट होगा, वो क्या होगा,
स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल बहुत ही स्टिकी होगा, सीधे तुरंत मतलब इनसे ज्यादा शार्प होगा। अब होगा क्या कि जैसे ही ये लोग यहाँ पे आके यहाँ पे ज्वाइंट होंगे इस पॉइंट पे और ये इस पॉइंट पे और ये ज्वाइंट होगा इस पॉइंट पे, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जनरेट होगा टेम्परेचर वाली लाइन पे, एक ये और एक ये, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। किसके लिए? अलग अलग के लिए। अगर मैं कहूं कि ये कौन सा था, ये सॉल्यूट वाला था और ये सॉल्यूशन वाला था और ये सॉलिड स्टेट वाला था, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉरी ये भी, ये सॉल्वेंट कौन सा है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है और ये कौन सा है, सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर बना ये किसका बना, प्योर सॉल्वेंट का, और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बना तो इसको टी एफ नॉट से, और ये सॉल्यूशन का है तो इसको टी एफ से, और ये जो दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों के डिफरेंस को हम डेल्टा टी एफ से जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया कि जो डेल्टा टी एफ है वो किसका है, ज्यादा माइनस कम, वही डिफरेंस निकालते हैं, डेल्टा मतलब डिफरेंस, डिफरेंस ज्यादा में कम को हटाएंगे तो ज्यादा किसका टेम्परेचर है, टी एफ नॉट का माइनस टी एफ। तो ये यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है यहाँ पे, डिप्रेस ये है, हाँ डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, या फिर लिक्विड सॉल्वेंट क्या कहें, सॉल्वेंट ही कह दो, सॉल्वेंट, और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये टर्म मुझे समझ में आई, ये क्या है, टेम्परेचर वाली टर्म है, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे देखा था अपने लास्ट लेक्चर में कि ये जो टर्म आ रही थी, ये जो यहाँ पे एलिवेशन आ रहा था वहां पे क्या हो रहा था, वो हो रहा था डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी इक्वल हो रहा था टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया था ये क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो डिफरेंस है ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ टेम्परेचर कम हुआ है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिफरेंस है, ठीक है, किसका, डिप्रेशन का, डिप्रेशन मतलब कम हो जाना, ठीक है। तो ये जो बना, अब ये क्या है, डेल्टा टी एफ जो जनरली होता है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मोलैलिटी के, इसको लिखे दे रहा हूँ मोलैलिटी के, और मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, तो डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल एम। के एफ क्या है, के एफ क्या है, ये है कॉन्स्टेंट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है। इसकी यूनिट क्या होती है, केएफ की जो यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है, ठीक है। यही यूनिट होती है किसकी, केबी की भी यही यूनिट होती है पिछले वाले में, क्या, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, किसकी, केबी की भी होती है और इसकी भी होती है, तो दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। अब हम यहां पे जानते हैं मोलैलिटी होती क्या है, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास किसमें होगा, केजी में। अब नंबर ऑफ मोल्स जैसे कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है पुट करेंगे तो क्या बचेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा के एफ तो रहेगा इनटू में, अब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स की जगह रख दो वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मोलर मास नीचे चला जाएगा तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें, केजी में। अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट केजी में, सॉल्यूशन केजी में नहीं चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, ये किसका है, सॉल्यूट का है तो इसको डब्ल्यू टू मान लो, इंटू क्या कर दो 1000, और ये हो जाएगा मोलर मास, और इंटू मास वन, वन मतलब सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें ग्राम। ये निकल के आ गया क्या, ये हो गया फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें किसके बीच में, डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कंपेरिजन करें तो के एफ की जगह के बी हो जाना था, ओवरऑल डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या, मास या वेट ऑफ
सॉल्यूशन किसमें, ग्राम में, बिल्कुल सेम है, बस के एफ की जगह के बी हो गया है और टी एफ की जगह टी बी हो गया है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसमें इनको सबको यूज करूंगा। तो ये रही बात किसकी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे आपको मेरी आने वाली वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। तो हेडिंग प्लेस करिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक फिनोमेना है जिसमें देखते हैं व्हेन सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये हम लोअर क्लासेस से भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करेंगे किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हम ध्यान देने वाली जो चीजें हैं वो क्या है, पहला तो आप ध्यान दो कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल साइज पार्टिकल होते हैं। अगर बात करें हम किसकी, सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट क्या होती है, बिगर साइज होती है उनकी, बिगर साइज पार्टिकल। और हम बात करें किसकी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, तो ये क्या होती है, एक फिल्टर का काम करती है और ओनली अलाउ टू फ्लो या फिर ओनली अलाउ टू स्मॉल साइज पार्टिकल, केवल ये स्मॉल साइज पार्टिकल को ही अपने अंदर से फ्लो करवाती है, तो उसको कहते हैं क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इसकी क्वालिटी होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये जो मैंने बीच में ड्रॉ करी है ये क्या है, ये अपनी एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस साइड क्या है, इस साइड हमारा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट या फिर कह दें प्योर H2O है। और इस साइड क्या है, एक सॉल्यूशन भरा है। सॉल्यूशन का मतलब उसमें क्या होंगे, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल भी होंगे और सॉल्वेंट पार्टिकल भी होंगे। ये क्या है, ये है सॉल्यूशन और ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, अगर हम बात करें किसकी, हम बात करने वाले हैं केवल किसकी, सॉल्वेंट पार्टिकल की। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट पार्टिकल की वो क्या है, हायर है, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है। ठीक है, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, अब बात करनी है हमें इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है जो कि लगाया गया किसमें है, सॉल्यूशन की तरफ। मीन्स अभी फ्लो कहां है, इस तरफ है, फ्लो इस तरफ है। अगर हम क्या करें, यहां से क्या करें, एक पिस्टन लगा के इस पे प्रेशर अप्लाई कर दें, प्रेशर, ठीक है, इसको दबा दें, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें नीचे, तो क्या होगा, जो फ्लो हो रहा है ऑस्मोसिस का वो स्टॉप होने लगेगा, और जैसे ही वो स्टॉप होगा उसको कहेंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। मींस ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर जो सॉल्यूशन की साइड में अप्लाई करें और उसकी वजह से ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाए, जस्ट स्टॉप हो जाए, मतलब ठीक रुक जाए, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो होगा क्या भाई,
अभी चल क्या रहा है ऑस्मोसिस में, चल क्या रहा है ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, और वो जब तक फ्लो करेंगे तब तक, जब तक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपने 11th में पढ़ा होगा, जब तक क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगी तब तक फ्लो करेगा। लेकिन बराबर कंसंट्रेशन हो उससे पहले हम क्या कर दें, ऐसा प्रेशर एक्स्ट्रा लगा दें सॉल्यूशन की साइड में कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये स्टॉप हो जाए। जैसे ही स्टॉप होगी उसको बोल देंगे क्या हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन होती है द एक्स्ट्रा प्रेशर, द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट, द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, दैट अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड दैट साइड दैट जस्ट स्टॉप, दैट जस्ट स्टॉप, दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। राइटिंग अच्छी नहीं है पर कोई नहीं, काम चल रहा है, लॉकडाउन में बैठे रहो, घर में, घर में पढ़ते रहो। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पाई से। तो ध्यान देना, ऑस्मोसिस अलग चीज है, ऑस्मोटिक प्रेशर अलग चीज है। ऑस्मोसिस क्या है, जब हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो उसको कहते हैं क्या, ऑस्मोसिस। और एक्स्ट्रा प्रेशर दैट, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड एंड दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ठीक है, पाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैरिटी के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। किसी दिए गए टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे जो मोलैरिटी होगी सॉल्यूशन की उसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर। आर क्या है, आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो वही है, यहाँ पे भी यूज हुआ है, पाई इक्वल आर एम टी, आर बराबर कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू वही होगी जो गैस कांस्टेंट में होती है, 0.08211। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी क्या होते हैं, मोलैरिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इक्वल हो जाएगा, एम की वैल्यू रख दो एन, एन किसके सॉल्यूट के हैं, टू मान लो, क्योंकि सॉल्यूशन को वन लेके चलते हैं, सॉल्यूशन सॉल्वेंट को, एक मिनट, सॉल्यूट को टू लेके चलते हैं, सॉल्वेंट को वन लेके चलते हैं। ठीक है, और वन टू को वन में ऐड करते हैं, तो ये टू के मोल हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट के मोल हैं, और डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम लीटर। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, आर इंटू टी, तो ये हो जाएगा पाई इक्वल, पाई वी इक्वल एन टू आर टी या एन आर टी। तो ये डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है पी वी इक्वल एन आर टी से। ये क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन है सॉरी, तो ये डायरेक्टली उसी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब इसी में एक और है जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए देख लेते हैं जल्दी से इसको भी, ये रिवर्स ऑस्मोसिस होती क्या है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, देखो हमने क्या किया ऑस्मोटिक प्रेशर में कि यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई किया जिससे ये ऑस्मोसिस की प्रेशर, ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो गई, स्टॉप हो गई। लेकिन अब हम क्या करें कि जो अप्लाइड प्रेशर है उसको और बढ़ा दें, जब और बढ़ाएंगे तो यहाँ वाले जो पार्टिकल हैं वो इस तरफ मूव करने लगेंगे, तो ऑस्मोसिस का उल्टा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अ प्रेशर, आप प्रेशर क्यों, हम जो प्रेशर अप्लाई करना है जिससे डायरेक्शन फ्लो, जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, तो कहेंगे इफ प्रेशर, इफ प्रेशर, प्रेशर, इफ प्रेशर इज लार्जर देन, इफ प्रेशर इज लार्जर देन, लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है प्रेशर,
इफ प्रेशर इज लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन सॉल्यूशन ठीक है सॉल्यूशन साइड दैट कॉज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन टू दिस सॉल्वेंट मीन्स उल्टा सॉल्यूशन से किसमें सॉल्वेंट में आने लगे दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब जो प्रेशर अप्लाई कर रहे थे वो प्रेशर और बढ़ा दें तो यहाँ के जो पार्टिकल होंगे वो यहाँ फ्लो होने लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर जो सी वाटर होता है तो सी वाटर में क्या होता है H2O के साथ में NaCl होता है. ठीक है तो अब हमें क्या करना है अगर इससे NaCl को हटाना है तो हम क्या करेंगे इस वाले में प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो NaCl पार्टिकल मूव करने लगेंगे H2O सेफ हो जाएगा या फिर H2O बाहर चले जाएंगे. इसको अगर ये सॉल्वेंट है तो ये बाहर आने लगेगा इस साइड तो H2H2 अलग हो जाएगा NaCl अलग हो जाएगा. ठीक है इसको कहते हैं डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर मीन्स जो सी वाटर है उससे NaCl को रिमूव करना. ठीक है तो ये रही बात पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की. तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो हमने खत्म कर ली हैं. अब बारी है एक और टॉपिक है जो एबनॉर्मल मोलर मासेस है और वन टॉप फैक्टर है उसके बारे में हमें बताना है तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे. वो लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे सॉलिड स्टेट के. हमें क्या करने हैं अभी न्यूमेरिकल करने हैं उसके बाद हम सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल करेंगे. आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए. अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आपको कोई डाउट आता है या आपको कोई सा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टे होम स्टे सेफ.